इसलिए अल्लाह के लिए जन्नत में जाने के लिए, अल्लाह का ज़ैफ़ रहमान मेहमान बनने के लिए तमाम बुरी आदतों से हमको बचना चाहिए। और एक बुरी आदत से हम सबको इसी जगह बचना है, आप इकरार नहीं करते हैं? नहीं, आप साफ कहिए अभी हम उसे तौबा कर दें। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी तौबा नसीब करे। वो क्या है? वो है फजूल फोटोग्राफी, सेल्फी, वीडियो। आप हैरान होंगे, कयाम बुखारी शरीफ में वैसे ही आया है, इन अशद नासी अजाबन यौमल कयामा अल बसीर। इसमें इख्तलाफ जरूर है, लेकिन अगर कोई चीज जायज हो, समझ गए? इसकी एक मिसाल देता हूं, नाक में जो रेट होती है मैल मैल कुचेल, वो पाक है या नापाक है? पाक है ना। आप में से वो कौन कौन खाने के लिए तैयार है? ये तो पाक चीज है। तो कोई चीज पाक भी हो जायज भी हो तो जरूरी नहीं कि उसको इस्तेमाल किया गया। मगर मैं आपसे कहता हूं कि कश्मीर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो फोटोग्राफ्स की पूजा करते हैं, दीवारों पर फोटो लगे हुए हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उसमें तस्वीर के दाने डले हुए हैं। और डॉक्टर्स ही बीमार पड़ जाएं, डॉक्टर्स आफ हैं। आप लोग जब तफरी पर जाते हैं तो पता नहीं फोटोग्राफी के साथ क्या आप जंग आप लड़ते हैं फिर कुछ ना गया। और छुप छुप के जो बाज हमारे तलबा भी बल्कि अहले इल्म भी बड़ों की फोटोग्राफी करते हैं और उस बेचारे को पता नहीं चलता। किसी बदबख्त ने मुफ्ती नजीर साहब के पीछे कुछ किसी मौके पर ऐसी कुछ चीजें हैं, उनका फोटो वायरल हो चुका है, ये बदबख्ती है। तो गुनाह अगर किसी से हो भी रहा है तो इसको जिहारन जिहारन न बनाया जाए, पब्लिकली उसको नहीं करना चाहिए। अगर किसी को डूबना ही है तो प्राइवेटली करे, उसे मांगे। तो ये हदूद में रखना है, मसलन डॉक्यूमेंट के लिए, आइडेंटिटी कार्ड के लिए, ऐसे ही पासपोर्ट के लिए जहां जरूरत है तो वहां मजबूरी है, बकदरे जरूरत उसको इस्तेमाल करते हैं। जरूरत तो भी वो अलमहजूरात, मगर साथ साथ ये भी है कि बकदरे जरूरत ही इसको इस्तेमाल किया जाए, जनरलाइज इसको न किया जाए। और इस मुसीबत ने हमको दीनी किताबों से भी महरूम कर रखा है, फुर्सत ही नहीं है। और साइंटिफिकली भी जो हम स्क्रीन पर बार बार देखते हैं, आंखों की आई साइट मुतासर हो जाती है। और आइंदा मुस्तकबिल में मालूम ही नहीं है कि इस शैतानी एजेंट से क्या क्या काम लिलवाए जाएंगे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं समझता हूं कि दज्जाल के लिए ये बहुत ही खतरनाक डिवाइस है, और दज्जाली जो लोग हैं तो उनके लिए भी ये बहुत खतरनाक समझ लिए सामान है, एजेंट है उनका, यानी इसको स्विच ऑफ करने के बावजूद समझ लीजिए उनका कंट्रोल होता है। इसलिए इसकी शर से आप बचते रहे। ये सेलफोन नहीं, ये हेलफोन है, ये जहन्नमी एजेंट है, बकदरे जरूरत उसका इस्तेमाल किया जाए। इन समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु लाइका काना अनहु मसूला। ये तो हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। ये आंखें, ये सब एक एक सेल अल्लाह की अमानत है। किसी चीज से भी अल्लाह ऑर्डर करे कि बोलो, वल्लाह बोलेगा, चाहे जमीन हो, चाहे पिलर हो, चाहे खुशक लकड़ी हो, वल्लाह वो भी बोल पड़ेगी।